एट्थ पार्ट हमें बोला गया, रेनफॉल के बारे में बोला गया, एमएम में फाइंड आउट की हुई है उन्होंने, और कितने डेज का रिकॉर्ड किया हुआ, 7 डेज का। यहाँ पे फर्स्ट डे पे कितना रिकॉर्डेड है, 0.0, सेकेंड पे 12.2, एंड सो ऑन अप टू संडे। संडे को 1.0 mm रिकॉर्ड किया गया। रेंज निकालना है फर्स्ट केस में आपको, तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, मतलब वहाँ लोएस्ट वैल्यू को माइनस करना है, तभी हमारी रेंज आती है। तो हाईएस्ट कौन से डे पे, फ्राइडे, लोएस्ट इज ऑन थर्सडे एंड मंडे, तो 0 में से तो वैसे ही माइनस करोगे सेम वैल्यू आएगी। सो 20.5 को अगर हम 0 में से माइनस करेंगे, सो आई वुड गेट 20.5 ओनली। सो हेयर इट वुड बी 20.5 mm। सेकेंड केस में हमने क्या करना है, मीन निकालना है। मीन कैसे निकलेगा, 0 + 12.2 + 2.1 + 0 + 20.5 + 5.5 + 1 डिवाइडेड बाय कितने डेज हैं, 7 डेज आर देयर। तो ऐड करके टोटल से हमने 7 से इसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। सो एडिंग इट, 20.5 और 5.5 को ऐड करते हमें क्या मिल जाएगा, 21, 26, 26 को 1 में ऐड कर दो, 27 हो गया, 27 में 2.1 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 29.1, 29.1 में 12.2 ऐड कर दो, 41.3 वुड बी देयर 7 से डिवाइड करने पे, सॉरी 7 से अब हमें इसको डिवाइड करना है। सो आई वुड गेट 5.9 mm, मीन आ गया हमारा। थर्ड केस में इट सेज कि हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल ये है हमारी 5.9, अब हमें चेक करना है 5.9 से कम किस में है। सो आई कैन अंडरस्टैंड मंडे, वेनसडे, थर्सडे एंड सैटरडे एज वेल एंड संडे एज वेल। सो हाउ मेनी डेज आर देयर, देयर आर 5 days, बट हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 days आ दो, 6 नहीं है, 5 है। 5 कैसे है, मंडे हो गया, वेनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, बिकॉज फ्राइडे इज 20.5, ठीक है। सो इट वुड बी हाउ मेनी डेज जिसमें मीन रेनफॉल से कम है, 5 days, मंडे, वेनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। यू कैन नेम द डेज एज वेल, ठीक है। सो दैट वुड बी द आंसर टू द 8th पार्ट।